छात्रों, आज हम भोज यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विषय के भारतीय अर्थव्यवस्था के शब्द में पेपर टू पर बात करेंगे। आज जो पेपर टू का पहला यूनिट है, उस यूनिट में स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी और नेचुरल रिसोर्सेज पर आज बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी और नेचुरल रिसोर्सेज में जल, जंगल, मिनरल्स, इन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पर। हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से क्या समझते हैं? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा शब्द है जिसमें कि व्यापार, उत्पादन, एम्प्लॉयमेंट, आय, ये सब जिस तरह से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में विभिन्न चरणों में या वर्षों में बदलती रहती है, इनका अध्ययन हम सेक्टोरल कंपोजिशन या सेक्टोरल चेंजेज ऑफ इकोनॉमी के तहत करते हैं। सेक्टोरल चेंजेज के लिए, जैसे मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं, जिसमें प्राइमरी सेक्टर में कृषि, माइनिंग, फिशिंग इत्यादि है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज है, और टर्शरी सेक्टर या क्वार्टरनरी सेक्टर जिसको कहते हैं टूरिज्म, बैंकिंग या सेवा क्षेत्र जो है, इन क्षेत्रों में किस तरह से प्रति व्यक्ति आय बदल रहा है ओवर द पीरियड्स ऑफ ईयर्स, या किस तरह से इन क्षेत्रों में उत्पादन बदलाव हो रहा है, या जीडीपी में इनका शेयर किस तरह से बदलता है, इन चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के तहत। डेवलपमेंट, हम विकास की अवधारणा पर जब बात करते हैं तो विकास की अवधारणा सिर्फ जीडीपी पर चेंज नहीं है, बल्कि साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र में किस तरह से उत्पादन या एम्प्लॉयमेंट में चेंजेज आ रहे हैं, कितने प्रतिशत रोजगार बदल रहे हैं प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में, या सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में दिए हुए वर्षों में, या 40, 50, 60 लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में 5 साल, 10 साल में किस तरह से बदल रहे हैं, इसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। सेक्टोरल चेंजेस जो है वो एक बहुत ही अहम हिस्सा है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का, साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसा कि छात्रों आप जानते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स में किस तरह से बदलाव आए कि हम विकसित अर्थव्यवस्था में अपने आप को पाएँ, और विकसित अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं होती हैं विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से किस प्रकार से भिन्न होती है, इनको हमको समझना जरूरी है। विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था में जो बदलाव है, वो उसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो सेक्टोरल कंपोजिशन है या सेक्टोरल चेंज का है। ढांचागत परिवर्तन किस तरह से होता है, ढांचागत जो अर्थव्यवस्था है उसमें ओवर द पीरियड किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, चेनरी ने, सिरकी ने, अपने अपने रिसर्चेज में इन्होंने बताया है कि इसका महत्व जो है, अगर हम विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि ढांचागत जो परिवर्तन है एक डिफाइंड वे में होता है, एक निश्चित रूप से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में होता रहता है, और हम विकास की ओर किस तरह से अग्रसर हो रहे इसका हम मूल्यांकन कर पाते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज, कोलिन क्लार्क एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कहा कि विकास का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मतलब जो रोजगार में जो ढांचागत परिवर्तन हो रहे रोजगार के क्षेत्र में, उनका एक गहरा सहसंबंध है। जिस तरह से विकास बढ़ता जाता है तो एक क्षेत्र में रोजगार कम होता है और दूसरे क्षेत्र में बढ़ता जाता है। हम विकास की अवधारणा पर जब बात करते हैं तो पाते हैं कि प्राथमिक, जब विकास की गति बिल्कुल कम रहती है या अविकसित रहती है, उस समय हमारी ज़्यादातर आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर रहती है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर रहती है। जैसे जैसे विकास होता जाता है, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ता जाता है, जीडीपी बढ़ता जाता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र से हट करके फिर द्वितीयक क्षेत्र में आती है, जहाँ उद्योग धंधे, कंस्ट्रक्शन इत्यादियों पर हमारा खर्च बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, वहाँ रोजगार बढ़ता है, उसकी उत्पादन बढ़ते हैं और उससे आय बढ़ता है। और इस तरह से जब द्वितीयक क्षेत्र से में भी अगर हम एक सैचुरेशन की पॉइंट पा लेते हैं तो तृतीयक क्षेत्र की तरफ जाते हैं, टर्शरी सेक्टर की तरफ, तो वहाँ भी उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगा। तो ये परिवर्तन जो किस प्रकार से हो रहा है, इसको समझने के लिए स्ट्रक्चरल चेंज को
हम अध्ययन करते हैं, ढांचागत परिवर्तन का हम अध्ययन करते हैं। ए जी वी फिशर ने भी उसी तरह से कहा कि हम जो है हर एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी में पाते हैं कि एक स्टेडी शिफ्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेनिटल प्राइमरी एक्टिविटीज से, मतलब प्राथमिक क्षेत्र से जो है द्वितीयक क्षेत्र और अल्टीमेटली अंततोगता तृतीयक क्षेत्र की तरह से एक समय अंतराल के बाद होता रहता है। आप जानते हैं छात्रों कि हमने अपने अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र और टर्शरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर मूलतः कृषि और कृषिजन्य उद्योगों से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर जो उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, टर्शरी सेक्टर जिसको कि हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। आजकल इन तीन क्षेत्रों को हम नए तरीके से भी परिभाषित करते हैं, रिकॉर्डो सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्स इंटेंसिव होता है, दूसरा हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर जो हाई टेक्नोलॉजी इंटेंसिव मतलब, और तीसरा हेक्सर ऑयलिंग सेक्टर जो कैपिटल लेबर इंटेंसिव होता है। अर्थ यह है कि रिकॉर्डो सेक्टर जो है नेचुरल रिसोर्सेज जिस तरह की कृषि जनित उत्पादन में या कृषि जनित अर्थव्यवस्था में हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की धुरी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधन है जल जमीन जंगल इनसे जुड़ी हुई रहती है। जैसे ही इसमें हम विकास की एक लेवल को एक सीमा को पा लेते हैं तो हम फिर दूसरी अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र की तरफ हमारा विकास होने लगता है जिसको हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर कहते हैं। इसी प्राइमरी सेक्टर में, इसी प्राथमिक सेक्टर में जैसे मान लीजिए कृषि है, कृषि में हम हाई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। हाई टेक्नोलॉजी मतलब ट्रैक्टर ले आए, हमने मशीनीकरण कर दिया कृषि उद्योग कृषि क्षेत्र का, और कृषि और उद्योग के बीच में एक गहरा इंटरलिंकेज हमने ला दिया जिससे कि कृषि में उत्पादन और आय पहले की तुलना में ज़्यादा होने लगी, और पहले की तुलना में आय और उत्पादन ज़्यादा होने से हमारे सेकेंडरी सेक्टर की ओर हमारा फ्लो ऑफ लेबर, लेबर की जो गतिशीलता है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की ओर होने लगती है। उसी प्रकार से कैपिटल जो पूंजी है उसकी भी प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की ओर होने लगती है, और प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की ओर जैसे ही पूंजी और श्रम की गतिशीलता बढ़ जाती है तो प्राइमरी सेक्टर की तुलना में द्वितीयक क्षेत्र जो है वो ज़्यादा आय उपार्जन करने लगता है जिसके तहत वहाँ ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होने लगता है। फिर ये कैपिटल फॉर्मेशन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के विकास के कारण तृतीयक क्षेत्र जो है वो तेज़ी से विकास करने लगता है जिसको कि हम हेक्सर ओलिन सेक्टर कह रहे हैं, जहाँ कैपिटल इंटेंसिव उद्योग पैदा होते हैं या कैपिटल इंटेंसिव जहाँ एक्टिविटी ज़्यादा होने लगती है, साथ ही साथ लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी ज़्यादा होने लगती हैं। तो इस प्रकार से हम तीनों क्षेत्रों में किस तरह से एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है, पहले क्षेत्र का विकास ही दूसरे क्षेत्र के विकास का बेस बनता है और दूसरे सेकेंडरी सेक्टर का विकास ही टर्शरी सेक्टर के विकास का एक बेस बनता है। हम अगर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस अवधारणा का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है। जो ढांचागत परिवर्तन होता है इस अवधारणा में हमें यह समझना पड़ता है कि किस तरह से हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विकास को लेके जा सकते हैं। अगर हम विकसित अर्थव्यवस्थाओं को देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का और प्रोडक्शन जो है वो पूर्णतया भिन्न होता है अविकसित देशों का या गरीब राष्ट्रों के, गरीब राष्ट्रों की तुलना में अमीर राष्ट्रों में जो है वो उसमें उत्पादन, उसमें उपभोग, उसमें विनिवेश इत्यादि जो प्रवृत्तियाँ रहती हैं वो भिन्न पाई जाती हैं, और वो इस तरह से रहता है कि इनमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए हम ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव हम उपायों को लेते हैं। देखते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैपिटल और लेबर को प्राइमरी गुड्स से सेकेंडरी गुड्स और अल्टीमेटली जो है सर्विस सेक्टर में जाता है। इस तरह से ये सेक्टर्स के जो हम जो मूवमेंट है, जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में लेबर का मूवमेंट हो या कैपिटल का मूवमेंट हो या टेक्नोलॉजी का मूवमेंट हो, यह हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस तरह से एक अविकसित देश को हम विकासशील देश बना सकते हैं। विकासशील देश बनाने के लिए हमारा सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का विकसित होना बहुत ज़रूरी है, और टर्शरी सेक्टर तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि हम सेकेंडरी सेक्टर ना विकसित कर लें, और सेकेंडरी सेक्टर तब तक विकसित नहीं होता जब तक हम प्राइमरी सेक्टर विकसित ना, ऐसा अमूमन ऐसा ही पूरे राष्ट्रों का अगर हम अध्ययन करते तो पाते हैं।
किन्हीं राष्ट्रों में ऐसा पाया गया है कि बिना प्राइमरी सेक्टर के डेवलपमेंट कहीं सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो गया है। ये एक अपवाद का विषय है, लेकिन सामान्यतया जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यह किस प्रकार से, अगर हमने समझ लिया कि तृतीयक क्षेत्र का विकसित होना या द्वितीयक क्षेत्र का विकसित होना एक विकासशील राष्ट्र के लिए जरूरी है, जिससे कि वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाए, तो उस श्रेणी में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने हैं जो स्ट्रक्चरल चेंजेज में मददगार साबित हो, इन्वेस्टमेंट की ऐसी एक प्रक्रिया लानी है जो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी और सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर में मददगार साबित हो, कंजम्पशन हैबिट जो बदल रहे हैं उस पर भी हमें ध्यान रखना है, और उस डिमांड के अनुसार जिस तरह से उपभोग की प्रवृत्ति बदलने के कारण हमारा जो मांग बदल रही है उस मांग के अनुसार हमें किस प्रकार से अपने उत्पादन को बदलना है, उत्पादन बदलने के लिए किस प्रकार की तकनीकी हमें चाहिए, इन सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम अपने विभिन्न क्षेत्रों का विकास कर पाएंगे। लेबर मोबिलिटी, हमने जैसा कि पहले बताया कि हर सेक्टर जैसे ही सैचुरेट होता है, लेबर मार्जिनल लेबर की प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो जैसे ही घटने लगती है या शून्य हो जाती है, तो ऐसे लेबर की मोबिलिटी की बहुत आवश्यकता होती है कि हम उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उस लेबर को डालें, जिससे कि उसकी उत्पादकता, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े, लेबर का वेज है वो बढ़े, और अल्टीमेटली जो श्रम है उसकी आय बढ़े, और श्रम की आय बढ़ेगी, उत्पाद बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तब वो निश्चित रूप से वह क्षेत्र जो है वो विकसित हो जाएगा, और तृतीयक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र विकसित होने से एक राष्ट्र विकसित हो जाएगा। हम अगर कुछ विकसित और अविकसित राष्ट्रों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि शहरीकरण एक बहुत बड़ा उत्प्रेरक रहा है प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र और द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए। शहरीकरण के कारण आधुनिकीकरण और समाज के प्रति, अर्थव्यवस्था के प्रति सोच में परिवर्तन, और ये सोच में जो परिवर्तन है ये आपकी उपभोग की प्रवृत्ति को बदलता है, ये आपकी निवेश की प्रवृत्ति को बदलता है, और इन्हीं बदलती हुई प्रवृत्तियों के कारण ही हम बाकी अपना ढांचागत परिवर्तन कर पाते हैं। छात्रों, मैं आपको एक डेटा के माध्यम से यह दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से भारत का जीडीपी का जो शेयर है विभिन्न क्षेत्रों में, 1999 को अगर बेस प्राइस आधार वर्ष अगर मानते हैं तो उसके अनुसार में हम परसेंटेज सेक्टोरल चेंज जो है जीडीपी में हम देख पाते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस टेबल के माध्यम से कि 1950-51 में प्राथमिक क्षेत्र में 56.70 जो है जीडीपी, टोटल जीडीपी का जो शेयर है वो प्राथमिक क्षेत्र से था 56.70, और वर्ष 90-91 तक आते आते घट करके वो 34.05 हुआ, और 2009-10 आकर के ये 16.93 हो गया। अर्थात जो कुल उत्पाद है राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्र का, उसमें 1950-51 तक जो है कृषिगत क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर का योगदान बहुत ज़्यादा था, 56.70। इतना जीडीपी जो है पूरे 100 में से 56.70 प्राथमिक क्षेत्र से आते थे, और वर्ष 2009-10 आते आते 16.93 हो गया। मैं इसके बाद आपको लेटेस्ट डेटा भी बताऊंगा, लेकिन इस टेबल में जो डेटा दिया हुआ है उसके अनुसार मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सेकेंडरी सेक्टर जो द्वितीयक क्षेत्र है उसमें आप देखेंगे कि 1950-51 में 13.66% सेकेंडरी सेक्टर में का योगदान रहा टोटल जीडीपी में, और 1990-91 में, 1990-91 इसलिए बोल रहा हूँ कि 1990-91 के बाद में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से हम एक नई आर्थिक युग में भारत ने प्रवेश किया, एक नया इकोनॉमिक एरा हमने पाया, जिसमें कि प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के कारण एक हम नई सोच, नई फिलॉसफी, नई पॉलिसीज के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को गढ़ने की कोशिश की, जो आज तक सेकंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो आर्थिक बदलाव जो 1990 में शुरू हुआ था उसके द्वितीय
चरण के बाद हम किस स्थिति पर पहुँचे इसको समझने के लिए आपको इन तीन बिंदुओं पर, इन तीन समय के बिंदुओं पर समझना जरूरी है। पहला 1950-51, दूसरा मैं 90-91 और तीसरा 1909-10। हालांकि इसमें 1950-51 से लगातार 10-10 वर्ष के अंतराल का डेटा दिया हुआ है। तो सेकेंडरी सेक्टर में आप देखिए 1950-51 में 13.66 है, जो 1990-91 बढ़ करके 23.24 हो गया और 1909-10 में बढ़ के 25.77 हो गया। यानी कि जैसे जैसे राष्ट्र, भारत राष्ट्र के आर्थिक रूप से विकसित होता गया, तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कुल जीडीपी में 13.6 से बढ़ करके 25.77 हो गया, यानी कि दोगुना हो गया। दूसरी तरफ प्राइमरी सेक्टर जो है वो 56.70 से घटकर 16.93 हो गया, यानी कि एक तिहाई से भी कम हो गया। अब आके देखते हैं कि तृतीयक क्षेत्र का क्या हाल है। तृतीयक क्षेत्र में हम देखते हैं कि 1950-51 में 29.64% योगदान था, जो बढ़ करके 1990-91 में 42.71 हो चुका है और 1909-10 में 57.30 हो गया। यानी कि आज 1909-10 के आंकड़े को अगर हम देखते हैं तो प्राथमिक जो क्षेत्र है प्राइमरी सेक्टर उसमें 16.93, द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर में 25.77 और तृतीयक क्षेत्र में 57.30, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। 57% से ज़्यादा जीडीपी तृतीयक क्षेत्र से आ रहा है। और अगर 1950-51 आज़ादी की बात करें तो लगभग जो अभी तृतीयक क्षेत्र का लगभग वैसा ही सिनेरियो 56.70 प्राइमरी सेक्टर में था और सेकेंडरी सेक्टर में 13.66 और टर्शियरी सेक्टर में 29.64 था। आज की अगर हम डेटा की बात करते हैं, ये 8 फरवरी 2019 का डेटा है, तो इस डेटा को अगर हम देखते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में 14.39 और घट गया, सेकेंडरी सेक्टर में 31.46 थोड़ा बढ़ा और टर्शियरी सेक्टर में 54.15 हो गया। अगर सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया, जिसका ग्रॉस वैल्यू एडेड करंट प्राइस में सर्विस सेक्टर का 92.26 लाख करोड़ भारतीय रुपए में है, 92.26 लाख करोड़ सर्विस सेक्टर जो है 54.40% कुल ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है उसका लेके आता है। तो इस प्रकार से हम पाते कि जैसे जैसे देश विकसित होता जाता है आर्थिक रूप से, तो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर की ओर जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है सेकेंडरी सेक्टर से ज़्यादा होने लगता है। इस यह आपको बता रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और टर्शियरी सेक्टर जीडीपी के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक अंतराल लेते हैं और इस अंतराल के बाद जब हम आएंगे तो फिर बाकी की बातें आप खुद से करते हैं। अंतराल के बाद आपका स्वागत है। जैसा कि मैं अंतराल के पहले आपको बता रहा था कि किस प्रकार से जीडीपी में परिवर्तन होता है विकास के साथ साथ, उसी प्रकार से रोजगार में भी परिवर्तन होता है, जिसे हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। रोजगार में परिवर्तन प्राइमरी सेक्टर में कितने प्रतिशत रोजगार है कुल रोजगार के, सेकेंडरी सेक्टर में कितने प्रतिशत रोजगार है कुल रोजगार के और टर्शियरी सेक्टर में कितने प्रतिशत रोजगार है कुल रोजगार के, यह हमें देखना पड़ता है। अगर हम इस डेटा से लेते हैं, यह भारत का 1950-51 से लेकर के 2008-09 तक का डेटा है, इसमें प्राइमरी सेक्टर में 1950-51 में 72.2 यानी कि 72% भारत की आबादी रोजगार जो मिल रही थी, आबादी को जो रोजगार मिल रही थी कुल रोजगार में से 100 अगर व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है तो 72 लोगों को रोजगार कृषि क्षेत्र या कृषि जनित क्षेत्र से, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से मिल रहा था, 72% 1950-51 में, जो घटकर 2008-09 में 56.5% हो गया है। रोजगार कृषि क्षेत्र में घटता जा रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में अगर उद्योग जनित क्षेत्र में देखते हैं तो 1950-51 में 10.7% था, जो बढ़ के 18.8% हो गया है 2008-09 में। टर्शियरी सेक्टर में ये 17.2% था, जो बढ़ के 24.8% हो गया है।
अब ये जो हम टेबल आपको रोजगार की दिखा रहे हैं, इस टेबल को अगर पिछला जो हमने टेबल जीडीपी से दिखाया था उससे जोड़कर अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि 72% आबादी उस समय 56% जीडीपी लाती थी और आज अब 56 से घट करके एक तिहाई जीडीपी हो गया है, लेकिन आज भी आबादी की रोजगार की मैंने टोटल जितने रोजगार में हैं उनके आधे से ज़्यादा रोजगार कृषि जनित क्षेत्र से मिल रहे हैं। मैंने भारत में कुल रोजगार जितना है उसमें 56% लोग 56% से ज़्यादा लोग कृषि और कृषि जनित क्षेत्र में है, जबकि अगर सकल घरेलू उत्पाद को देख रहे हैं तो 16% के आसपास आ रहा है। यही जो है विषमता का कारण बनता है, यही आय विषमता का कारण बनता है। हमें न सिर्फ जीडीपी को बढ़ाना है बल्कि हमें यह भी देखना है कि जिस क्षेत्र से जीडीपी जितना ज़्यादा आ रहा है उतना ही ज़्यादा रोजगार भी उस क्षेत्र से आए, जिससे कि हम एक बैलेंस एक इक्विटेबल समाज जो सम इक्विटेबल जो आपकी आय जो है उसको हम वितरित कर पाएँ, इस तरह से हम कोशिश करना चाहिए। इस टेबल में आप देख रहे होंगे 1950 से लेकर के 2008-09 तक का आंकड़े दिए हुए हैं और इन आंकड़ों से के माध्यम से प्राइमरी सेक्टर में घटता जा रहा है, बराबर लगातार निरंतर घटता जा रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और टर्शरी सेक्टर थोड़ा, हालांकि इसमें रैपिड ग्रोथ की अभी आवश्यकता है जिसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। किस प्रकार से फॉर्म सेक्टर जो है उसमें रोजगार को घटा के नॉन फॉर्म सेक्टर में जो गैर कृषि जनित जो क्षेत्र है उसमें हम रोजगार को बढ़ाएं, आय और उत्पादन तो बढ़ाएं ही साथ में रोजगार भी उन क्षेत्रों में बढ़ाएं। ये हम 2019 का लेटेस्ट डेटा ला रहे हैं। इस डेटा के माध्यम से भी आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर में जो नीले रंग की जो बार डायग्राम बना हुआ है उसमें आप देखेंगे किस तरह से कृषि क्षेत्र में घटता जा रहा है। कृषि क्षेत्र में जो घट रहा है हालांकि स्टडी है, एक लगातार घट तो रहा है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। तो सभी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में परिवर्तन तो आ रहा है लेकिन वो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है रोजगार के लिए, रोजगार के बिंदु से अगर हम समझते हैं। तो अब हम किस तरह से इनको हम बढ़ाएंगे, तो हम आर्थिक विकास के लिए हमें नियोजन करना है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का साथ साथ नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट का, किस तरह से हम नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट में परिवर्तन लाएं ताकि विकास जो है हमारा एक समायोजित ढंग से एक सही तरीके से हो पाए और किस प्रकार से हम मानव संसाधन का प्रयोग मैनेज कर पाए जिससे में उसका विकास ढंग से हो सके। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट या नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जिस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बातें तो आप छात्रों ने सुना ही होगा, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट भी आज की तारीख में उतना ही आवश्यक है जितना कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है, वो सभी वस्तुएँ जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं और इन प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को हम विदोहन करके एक्सप्लॉयटेशन करके प्रोडक्शन प्रोसेस को जारी रखते हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो जहाँ हमें ज़मीन और जंगल और पानी की ज़रूरत पड़ती है, या द्वितीयक क्षेत्र हो सेकेंडरी सेक्टर हो जहाँ हमें रॉ मटेरियल्स जो विभिन्न उद्योगों के लिए विभिन्न मिनरल्स की जो ज़रूरत पड़ती है या विभिन्न रॉ मटेरियल्स की जो ज़रूरत पड़ती है वो भी नेचुरल, और टर्शरी सेक्टर जहाँ स्वस्थ वातावरण हो स्वस्थ परिवेश हो इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज की भी बात इसमें करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कई तरह के हो सकते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स जिसको जिसमें पेट्रोलियम नेचुरल गैस कोल कोयला वगैरह होता है जो आपको उद्योग धंधों में काम आता है, मिनरल्स डायमंड गोल्ड कॉपर सिल्वर इस तरह के बहुत सारे धातु हैं जो हमारे खदान से निकलते हैं खनिज पदार्थ के रूप में, नेचुरल वेजिटेशंस हैं जिसमें जंगल है जो लकड़ियों के लिए हम जंगल की लकड़ी जंग वनोपज बहुत सारे औषधीय दवाएं बहुत सारे फल फूल कई चीज़ों के लिए हम जंगल पर निर्भर रहते हैं, तो जंगल भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आर्थिक विकास के लिए, जानवर भी बहुत ज़रूरी है, एयर पानी सनलाइट मिट्टी ये सभी जो है प्राकृतिक संपदा है, इन प्राकृतिक संपदाओं के विदोहन से ही हम आर्थिक विकास को संभव कर पाते हैं। पर जब हम बात प्राकृतिक संपदाओं का कर रहे हैं तो हम पाते हैं कि प्राकृतिक संपदाओं का जो विदोहन है जो एक्सप्लॉयटेशन है
वो हमने सही तरीके से नहीं किया, जिनके कारण आज बहुत सारी विसंगति या भविष्य के विकास के ऊपर चैलेंजेस के रूप में आ रहे हैं। क्या हम भविष्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे, या जिस तरह से हम आज इनका शोषण कर रहे हैं, उन शोषण अगर वो निरंतर चलता ही रहा तो भविष्य के लिए हमारे पास क्या बचेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या अर्थशास्त्रियों के रूप में, अर्थशास्त्रियों के दिमाग में चल रहा है। तो पहले हम जो प्राकृतिक संपदा है उसमें इतना समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पास धीरे धीरे जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है या तो पॉल्यूटेड होता जा रहा है या ख़त्म होती जा रही है। दोनों ही स्थितियों में हम किस प्रकार से आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में, लॉन्ग टर्म में 40 साल बाद, 50 साल बाद इस आर्थिक विकास को किस तरह से हम मेंटेन कर पाएंगे, इसके लिए हमको नेचुरल रिसोर्सेज की स्थिति, कंपोजिशन और उसके अल्टरनेटिव यूजेज क्या हो सकता है, किस प्रकार से हम दिए हुए नेचुरल रिसोर्सेज को बेटर वे में मैनेज कर पाए कि कम से कम एक्सप्लॉयटेशन में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी हमारे समाज को मिल पाए। नेचुरल रिसोर्स के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमीज की जहाँ तक बात करते हैं, ये एक नया विषय आज के तारीख में अर्थशास्त्रियों के बीच में एक नया विषय के रूप में उभर रहा है कि किस प्रकार से प्राकृतिक संपदाओं की अर्थव्यवस्था में योगदान है। प्राकृतिक संपदा अर्थशास्त्र एक नया विषय के रूप में उभर रहा है, जिस प्रकार से पर्यावरणीय अर्थशास्त्र एक नए विषय के रूप में उभरा था, यह नया विषय जो है इसका सप्लाई, डिमांड और एलोकेशन, अर्थात कि किस प्रकार से उसकी पूर्ति हो रही है नेचुरल प्राकृतिक संपदाओं का, उसका मांग किस प्रकार से है, पूर्ति किस प्रकार से है और उनका एलोकेशन, वितरण किस प्रकार से हो रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार से और साथ ही साथ कितना हो रहा है यह जानना हमको ज़रूरी है। दूसरी ऑब्जेक्टिव जो है वो है बेटर अंडरस्टैंड द रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, किस प्रकार से हम इनका रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, आने वाले संपोषीय विकास जिसको कहते हैं, कि संपोषीय विकास की अवधारणा को किस प्रकार से हम नेचुरल रिसोर्सेज के जो यूजेज है उनको हम देखें तो पा सकते हैं। क्योंकि हम पाते हैं कि आर्थिक व्यवस्था और प्राकृतिक जो संपदा व्यवस्था है उसके बीच में एक सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सामंजस्य टूट जाता है, वो इक्विलिब्रियम टूट जाता है, तो हम आर्थिक विकास की अवधारणा को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे और आने वाले वर्षों में हम आर्थिक विकास का जो नियोजन है वो सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसीलिए नियोजन के लिए, आर्थिक विकास के नियोजन के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि प्राकृतिक संपदा प्रबंधन के विषय में हमें जानना, प्राकृतिक संपदा प्रबंधन किस प्रकार से हो जो आर्थिक प्रबंधन को मजबूत कर पाए, जो आर्थिक विकास को मजबूत कर पाए। प्राकृतिक प्रबंधन के लिए हमें भूमि, जल, मिट्टी, वन, जानवर, सभी प्रकार के जो संसाधन हैं, इन सब जिनका हम इस्तेमाल अपने आर्थिक विकास के लिए करते हैं उसको लेकर चलते हैं। दोस्तों, आप पा रहे होंगे छात्रों की इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में एक गहरा अंतर संबंध है। अगर हमने इकोलॉजिकल यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का समुचित तरीके से विदोहन या एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया तो वह एक पर्यावरणीय समस्या के रूप में आ सकती है, और पर्यावरणीय समस्या भी हमारे आर्थिक विकास में एक हिंड्रेंस, एक ऑब्स्टेकल पैदा करता है। पर्यावरणीय अर्थव्यवस्था, अगर हमारा जल पॉल्यूटेड हो जा रहा है, हमारा वायु पॉल्यूटेड हो जा रहा है, अगर हमारी बाकी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं वो अगर पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं तो हमारा उपभोग जो उन संपदाओं का कम होता जा रहा है, और साथ ही साथ मानव जीवन एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण जो है मानव जीवन पर भी वो एक प्रकार से खतरा बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारे मेथडोलॉजीज हैं जिनसे कि हम प्राकृतिक संपदाओं को किस तरह से मैनेज करना है वो समझ सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो या प्राइसिंग और डिप्लेशन ऑफ फाइनाइट सोर्स रिसोर्सेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज हो, या असेसमेंट ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ वेरियस एसेस रिजीम्स की जहाँ तक बात है, तो इन सभी के लिए हमें मैनेजमेंट एक साइंटिफिक वे में समझने की ज़रूरत है। हम
उन इवेल्यूशंस के पहले थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक रीन्यूएबल और दूसरा नॉन रीन्यूएबल। एक रीन्यूएबल वह सोर्सेस है जिसमें जनरली जो है लिविंग रिसोर्सेज को हम लेते हैं, और नॉन रीन्यूएबल वह रिसोर्सेस है जिसमें हम नॉन लिविंग रिसोर्सेज को लेते हैं, जैसे वाटर, विंड, टाइड, सोलर रेडिएशन। इसको दूसरा तरीका इन्हीं लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज के लिए हमने बायोटिक रिसोर्सेज या अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज जो एनिमल और प्लांट से आते हैं, और अबायोटिक रिसोर्सेज जो मिनरल और पावर रिसोर्सेज इनसे आते हैं। यह तो भी वर्गीकरण की बात। तो आप समझ रहे होंगे कि कुछ ऐसे प्राकृतिक संपदा हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जिनको हम एक बार कंज्यूम कर लिए, एक बार उपभोग कर लिए, तो वापस उनको हम नहीं पा सकते। और कुछ प्राकृतिक संपदा ऐसे हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रिचार्ज होता है, जैसे कि पानी। पानी रिचार्ज होता है, हमने पानी का इस्तेमाल किया, पानी फिर बाष्प बन के फिर बारिश के रूप में वापस ज़मीन पर आती है, एक साइकिल है। वो उस साइकिल के कारण वो रिचार्ज होता रहता है पानी। लेकिन अगर पानी का उपभोग हम उसके उत्पादन से ज़्यादा कर दें, जो रिचार्ज की कैपेसिटी उससे ज़्यादा कर दें, तो पानी भी इरिवर्सिबल हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हम एक नया खतरा को पा रहे हैं, जिसके कारण ग्लेशियर्स जो है वो टूट रहे हैं, ग्लेशियर्स कम होते जा रहे हैं, पानी का लेवल समुद्र में बढ़ता जा रहा है, और पीने की पानी जो है वो एक समस्या बनती जा रही है। पानी की अवेलेबिलिटी जो है कई क्षेत्रों में जीरो के करीब पहुंच गई, पानी दुर्लभ वस्तु होता जा रहा है, जो कि एक प्राकृतिक संपदा है और थी और है। और कुछ ऐसे संपदा होते हैं प्राकृतिक जो हम इस्तेमाल तो कर लेते हैं, जैसे कोयला, लेकिन कोयला बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इस्तेमाल हो जाने के बाद अगले कोयले के लिए हमको लाखों वर्ष की जरूरत, पेट्रोल लाखों वर्ष, नॉन रिन्यूएबल है। तो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उनको किस तरह से उपभोग करें, उनका किस तरह से एक्सप्लॉयट करें, क्या इनका कोई अल्टरनेटिव है? अगर अल्टरनेटिव है तो हम रिसर्च के माध्यम से उन अल्टरनेटिव्स को कैसे और प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से अपने उपभोग में ला सकते हैं या उत्पादन में ला सकते हैं, यह एक रिसर्च का विषय है जिसके लिए अर्थशास्त्रियों के साथ साथ वैज्ञानिक जगत भी लगा हुआ है कि हम किस तरह से। उसी को हमने इस टेबल के माध्यम से बताया, नेचुरल रिसोर्सेज जो है किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। चित्र के माध्यम से भी आप अगर देखें तो समझ सकते हैं कि एबायोटिक रिसोर्सेज क्या और बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। दूसरी तरफ रिसोर्सेज को हम दो और तरीके से भी बांट सकते हैं, पहला यूबिक्यूटस और दूसरा लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटस जो हर जगह उपलब्ध है, जैसे जल है, वायु है, जो हर जगह सन रेज, सूरज की रोशनी, ये हर जगह उपलब्ध है और इनका बड़ा महत्व है। और दूसरा वह जो लोकलाइज्ड है, जैसे कि खनिज पदार्थ जो होते हैं, लोहे की जो खनिज है या लोहे की जो खान है या फिर कोयले की जो खान है, तांबा का खान है, ये किन्हीं किन्हीं जगहों में पाया जाता है। हर जगह लोहे की खान या तांबा की खान मिल नहीं सकता। तो हम यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड, तो ऐसा हम समझते हैं कि जो लोकलाइज्ड जो रहता है उस पर तो हम विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन यूबिक्यूटस जो रिसोर्सेस हैं उन पर हम कम ध्यान देते हैं। हमें लगता है ये फ्री गिफ्ट है नेचर का, जितना उपभोग कर सको कर लो, जिस तरह से उपभोग कर सको कर लो, और यही हमारी गलती है। अगर हम इन गलतियों को नहीं सुधारें तो आने वाली पीढ़ी को हम अपनी प्राकृतिक संपदा में से बहुत कम दे पाएंगे, और उसका असर उपभोग पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उत्पादन पर भी पड़ेगा। तो इस यूनिट में जो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले यूनिट में आपको जो सेक्टोरल कंपोजिशन के साथ साथ जो आपको समझना था कि नेचुरल रिसोर्सेज की स्थिति क्या है भारत में, नेचुरल रिसोर्सेज का हम विदोहन किस प्रकार से कर रहे हैं, उस विदोहन के कारण नेचुरल रिसोर्सेज किस प्रकार से घट रहे हैं, और उस घटने का कारण हमारे अर्थव्यवस्था पे कॉन्सिक्वेंसेस, किस प्रकार की कॉन्सिक्वेंसेस और इंडियन इकोनॉमी हो रही है, यह हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने चार मुख्य प्राकृतिक संसाधनों को लिया है। पहला जो हमने वाटर रिसोर्सेज, जो जल संसाधन है, उसको लिया। जल संसाधनों के बारे में आपको पता ही है कि ये रिचार्जेबल है, लेकिन अगर हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया इनका,
तो एक जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का रेट है अगर वो रिचार्ज के रेट से ज़्यादा हो जाता है तो एक सीमा के बाद में फिर यह आपके लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसका असर आपके कृषि क्षेत्र में पड़ता है और आपके दैनिक उपभोग के क्षेत्र में भी पड़ता है। पानी के बिना आपका कृषि क्षेत्र सिंचाई से वंचित रहेगा और उत्पादन तो घटेगा ही, उत्पादकता भी साथ साथ में घटता है। अगर हम उत्पादकता और कृषि क्षेत्र उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है, जल संरक्षण के उपाय जानने बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार से जल संरक्षण हो सकता है, कौन कौन सी विधियाँ जो जल संरक्षण कर सकती हैं, किस तरह से हम वाटर जो एक्वीफायर है, ज़मीन के नीचे की जो वाटर लेवल है जिसको ग्राउंड वाटर लेवल कहते हैं या एक्वीफायर कहते हैं, उनको कैसे हम रिचार्ज कर सकते हैं, यह समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने समय रहते इस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वर्षों में यह एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर क्राइसिस आज एक विश्व में प्रमुख समस्या के रूप में उभरा है और कई सारी एजेंसियाँ इस पर काम कर रही हैं और हमें भी व्यक्तिगत रूप से, आप छात्रों को भी व्यक्तिगत रूप से पानी बचाना है, पानी को एक समस्या समझते हुए पानी के उपभोग में अपने विवेक को प्रयोग में लाना है। और मैं फिर बाद में बात करता हूँ किस प्रकार से वाटर रिसोर्सेज की भारत में स्थिति किस तरह से भयावह होती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में पानी की खेती एक कॉन्सेप्ट आता है, पानी किस तरह से खेती के लिए ज़रूरी है, और विश्व व्यापार में भी जिन देशों के पास पानी संपदा, जल संपदा अथाह है, वो भी उन कृषि जनित पानी जो वाटर वेस्ट जो प्रोडक्शन है उनका वो इंपोर्ट करते हैं अपने देश की पानी को बचाने के लिए। और हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि जिन राज्यों में पानी कम है उन राज्यों में उन फसलों का उत्पादन होता है जिन फसलों में पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो हमें यह देखना है कि किन फसलों में पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है और क्या हम उन फसलों को उन राज्यों में उत्पादन कर रहे हैं जिन राज्यों में पानी ज़्यादा हो रही है, ऐसा शायद नहीं हो रहा है क्यों, इसके लिए फिर हमें समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी कौन सा राजनीतिक या सामाजिक कंपल्सन है जिसके कारण हम इस तरह को ला रहे हैं। अल्प विराम के बाद फिर आपका स्वागत है। मैं पहले चर्चा कर रहा था जल संपदा के बारे में और दूसरे की बात में जंगल जो वन संपदा है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, वह भी ह्यूमन बीइंग के लिए अत्यंत आवश्यक है, बिना जंगल के जीवन संभव नहीं है। लेकिन आर्थिक विकास का साथ साथ आप पूरे अगर विश्व के विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के इतिहास को अगर आप देखते हैं तो पाएंगे कि जैसे जैसे आर्थिक विकास की गति बढ़ती है वैसे वैसे वन संपदा घटती जाती है, और यह घटती वन संपदा भी एक चिंता का विषय आज की तारीख में। ग्लोबल वार्मिंग जो पानी के लिए मैंने कहा था वो उसके कारण जल संपदा तो एक है ही है, साथ साथ में वन संपदा भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बनता जा रहा है। वन संपदा घटती जा रही है, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती आबादी, बढ़ते अनाज या कृषि जन्य जो उत्पाद है उनका डिमांड, उनकी मांग बढ़ने के कारण, कृषि क्षेत्र बढ़ने के कारण और औद्योगिक क्षेत्रों के बढ़ने के कारण ज़मीन की मांग बढ़ती जा रही है, और इन ज़मीन की मांग की पूर्ति जो है बहुधा जंगलों से ही की जाती रही है। अब किन्हीं लीगल कंपल्सन्स के कारण बहुत सारे राष्ट्रों में ऐसा संवैधानिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जंगलों की कटाई अब ना हो, क्योंकि जंगलों का भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरह है, एक बार जंगल अगर कट जाता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो बाकी फॉरेस्टेशन के लिए फिर बरसों लगते हैं और जो बीच का जो समय रहता है उसमें जो क्षति होती है उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में एक बार जंगल कटता है तो न सिर्फ ह्यूमन लाइफ के ऊपर बल्कि कई क्षेत्रों में प्राइमरी सेक्टर में भी, सेकेंडरी सेक्टर में भी और टर्शरी सेक्टर में भी, तीनों क्षेत्रों में इसका एक कास्केड इफेक्ट यानी कि एक क्षेत्र के ऊपर पड़ा तो उसके कारण दूसरे कारण तीसरे, ऐसे एक के बाद एक माचिस की तिल्ली की तरह एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते चले जाते हैं। जंगल के कारण हमारा फूड प्रोडक्शन, हमारा लाइफ
स्टॉक और बाकी जो चीज़ें हैं हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा वाटर रिसोर्सेज के एक आपको स्लाइड दिखाना चाहते हैं। आप देखिए कि सलाइन जो ओशंस के जो है 97% जो जल संपदा है वो समुद्रों से मिलता है, जो कि नमकीन वाटर है। फ्रेश वाटर हमारे पास 3% है, ग्राउंड वाटर जिसमें कि 30% है, आइसलैंड और ग्लेशियर 68% है, बाकी अन्य जो है 0.9% है। सरफेस वाटर की जहाँ तक बात करते हैं तो स्वैम्स में 11% है, रिवर में नदियों में 2% है और लेक्स में 87% है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि 97% पानी जो है वो स्लाइन वाटर है, यानी कि पीने योग्य या कृषि योग्य नहीं है। सिर्फ 3% पानी ही जो है विश्व में पाया जा रहा है जो पीने योग्य या कृषि योग्य है। अगर इस पानी की संपदा में भी अगर सेंध लगता है तो ये एक भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो हमें इस संपदा, जल संपदा और बाकी के बारे में ध्यान देना होगा। रिसोर्स डिप्लीशन की जहाँ तक बात है कि किस तरह से हमारी जो संपदाएं हैं वो धीरे धीरे घटती जा रही हैं, जल संपदा, वन संपदा खास करके और भूमि संपदा। भूमि संपदा इन तीनों के पीछे जो है सब मुख्य कारण जो है वो बढ़ती आबादी है। बढ़ती आबादी के कारण बढ़ती मांग जो है उस जो जिस रेट से मांग बढ़ रही है इन संपदाओं के लिए, जल के लिए या भूमि के लिए या जंगल के लिए, उस रेट से इनको हम बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि ये बढ़ नहीं सकते, रिचार्जेबल है, ये रिचार्ज हो सकता है, लेकिन बढ़ाना, जल संपदा बढ़ाना लगभग आज की तारीख में असंभव सा हो चुका है। तो इनको हम कैसे कम करें, इनके कंजम्पशन को हम कैसे कम करें, अननेसेसरी यूज ऑफ रिसोर्सेज जो है वो हम कैसे कम कर सकते हैं, किस प्रकार से इनके ऊपर जो निर्भरता है उसको कम कर सकते हैं, यह हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। और सबसे बड़ी समस्या एक और भी है कि जब हम इन संपदाओं का विदोहन करते हैं तो वो विदोहन जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है। समाज के हर वर्ग द्वारा इसका विदोहन की जो गति है, एक सा हर वर्ग में विदोहन की गति अलग है और उपभोग की गति अलग है। आप वन संपदा में देखते होंगे कि आदिवासी क्षेत्रों में वन ज़्यादा है लेकिन वो उतना उपभोग नहीं करते, उनके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन कम है बजाय कि गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के जंगल का। तो यह एक तरह से सामाजिक समरसता जो है उसको भी तोड़ता है। अगर हम ग्रोथ विद सोशल जस्टिस चाहते हैं तो हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि इन नेचुरल संपदाओं पर किनका अधिकार है और जिनका अधिकार है वो किस तरह से इनका विदोहन करते हैं। अगर विदोहन में अगर कोई एनामोली है तो उन विसंगतियाँ हैं, तो उन विसंगतियों को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। ओवर पॉपुलेशन की बात मैंने पहले कर दी और कुछ हमारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, ख़ास करके जो प्रिमिटिव जो सोसाइटीज़ हैं, अभी भी भारत में ड्यूअल सोसाइटी, ड्यूअल इकोनॉमी चल रहा है या ड्यूअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रहे हैं उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रों में या कुछ आदिवासी क्षेत्रों में। जंगल काट के जो खेती की जाती है जिसको झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं, यह जो है एक जंगल के विनाश का कारण बन रहा है। दूसरा पॉल्यूशन, औद्योगिक विकास के साथ साथ हम ये मान के चलते हैं कि पर्यावरणीय जो समस्या है वो बढ़ेगी, लेकिन अब समाज में एक जागृति आ गई, कई राष्ट्रों ने इस प्रतिबंध लगा दिया कि ऐसा उत्पादन न किया जाए जिससे कि वायु प्रदूषण की या जल प्रदूषण का संभावना जो है बढ़ती है। हमें ऐसे उत्पादन विधियाँ, ऐसा प्रोडक्शन टेक्निक, ऐसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लानी है जिससे कि हम पॉल्यूशन को कम से कम पॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके। धुआँ जो है पॉल्यूटेड जो धुआँ है वो हम खुले आकाश में ना छोड़े, इसके लिए टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और हम पा रहे हैं कि विकसित देश तो इस पर काम कर लिए हैं लेकिन विकासशील देश जो है या गरीब देश जो है वो अभी भी इस उत्पादन विधि को अपनाए हुए हैं जिस उत्पादन विधि से इन प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित विदोहन या ओवर एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ प्रदूषण में भी योगदान ज़्यादा होता जा रहा है। कुछ इरोजन्स के कारण भी अपने आप क्षय होते हैं, कुछ प्राकृतिक संपदा जो है वो प्राकृतिक रूप से क्षय होते हैं।
तो उन प्राकृतिक क्षय करने की जो गति है उसको कैसे कम किया जा सके, इसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। इरिगेशनल फैसिलिटीज जो है, जो सिंचाई की व्यवस्था है वो रिचार्जेबल जो इरिगेशनल फैसिलिटीज है अगर वो हो तो ज़्यादा अच्छा है। हम नदियों को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, हम स्टॉप डैम कैसे बना सकते हैं, बारिश की जलों को कैसे हम रोक करके सिंचाई की व्यवस्था में ला सकते हैं, डैम मीडियम साइज डैम या स्मॉल डैम या लार्ज डैम, हर जगह हर चीज़ सक्सेसफुल नहीं है तो क्षेत्र स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक हमें डैम बना करके सिंचाई करनी चाहिए। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका कम से कम हम उसको उस पर रोक लगाएं या उसमें कमी लगाएं जिससे कि जल संपदा बन सके। माइनिंग ऑफ ऑयल और मिनरल्स, बहुत सारे ऐसे हमारे मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं जिनका हमने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। जैसे कि पेट्रोल की जगह हम बायोफ्यूल्स की बात करते हैं, पेट्रोल जो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसकी जगह हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बायोफ्यूल्स या और अन्य विधियों से सोलर एनर्जी से अगर हम अगर अपनी मशीनों को या एनर्जी की जो आवश्यकता है, जो ऊर्जा की आवश्यकता है उनको अगर हम पूरा कर पाए तो ज़्यादा अच्छा है और प्रकृति के लिए ज़्यादा अच्छा है और प्राकृतिक संसाधनों के लिए ज़्यादा अच्छी बात है। फॉरेस्ट्री जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में, जिन राष्ट्रों में वन संपदा एक ऑप्टिमम लेवल से कम हो चुकी है तो वहाँ हम वन संपदा को किस तरह से बढ़ाएं, यह हमें हमारे नियोजन में इसको हमको देखना है। और रिसोर्सेस किस तरह से पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूटेड ना हो, इसको भी सरकार को ध्यान देना है, हमारे नियोजनकर्ताओं को ध्यान देना है। और इन जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनका हम समुचित प्रयोग करके ही आगे वाली आने वाली पीढ़ी को, जिससे कि हम विकास, एक अच्छी विकास और विकसित राष्ट्र दे सके, इसी परिकल्पना के साथ ही इस मॉड्यूल का डिज़ाइन किया गया है। जब मैं अब अपने अगले क्लास में आऊँगा तो अभी तक जो हमने मिनरल रिसोर्सेस या नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की, अब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस प्रकार से आबादी जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, आबादी को हम किस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं, इन सभी बातों को हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।